हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक मैं कोमल ठाकुर पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था गाइस कि आ, किसी का बच्चा जो है वो 11 इयर्स ओल्ड था आ, तो वो बता रही थी कि उनको अपने बच्चे में रिग्रेशन नज़र आ रहा है उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे जो स्किल उसने एक्वायर की हैं वो अभी रिग्रेशन uh, मोड में जा रही हैं तो उसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलेगा और आज मैं आप लोगों को अपडेट भी दूंगी कि जो हम लोगों को डाउट हो रहा था कि अर्नब को सीजर एक्टिविटी तो नहीं हो रही है फिर हम लोगों ने ईई e -E टेस्ट करवाया था उसके बाद टेस्ट नॉर्मल आया था और फिर से हमने साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया था ये जानने के लिए कि अब एक्जैक्टली उसको क्या चीज़ हो रही है तो टू थ्री आ, मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ कि उसको टू थ्री अटैक्स जैसा हम लोगों को फील हुआ दो तीन बार ऐसा लगा कि उसको कुछ चीज़ हो रही है कुछ चीज़ उसकी बॉडी में हो रही है है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो उसी के लिए फिर हम लोगों ने फिर से अपॉइंटमेंट लिया जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने बोला कि अर्नब को हो सकता है माइनर एंजाइटी अटैक आया हो तो उसी की वजह से आपको बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिले हैं तो उन्होंने हम लोगों को एक्चुअली मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की उसके बाद लेकिन मैं अभी मेडिसिन यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये माइनर ही एंगजाइटी एंगजाइटी अटैक था तो उसको मैं अपने लेवल पे हैंडल करूँगी और अभी तो मेडिसिन का यूज़ नहीं करूँगी लेकिन इन केस अगर ये सिवियर आगे चीज़ें बढ़ती हैं तो मैं फिर मेडिसिन uh, के बारे में भी सोचूँगी सो so, इसको डिटेल में अभी हम लोग समझते हैं एक्जैक्टली exactly क्या हुआ था ये डेफ़िनेटली वीडियो आप लोगों को हेल्प करने वाला है अगर आपके बच्चे अडल्ट हैं और उनको आपको लगता है कि उनको एंगजाइटी अटैक आते हैं या सडनली आपको उनके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उनके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं तो जब भी हमारे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है इशूज़ होते हैं तो बच्चों को सबसे पहले क्या होता है एंग्जाइटी अटैक आते हैं तो माइनर भी होते हैं मेजर भी होते हैं सिवियर भी होते हैं कुछ बच्चे वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कुछ बच्चों को माइनर होता है जैसे अर्नब को हुआ तो अर्नब को तो सिंपली इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली शिफ्ट किया जो पहले पहली बिल्डिंग है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है लेकिन ये वाली जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल लोनली है तो इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं है प्लस उसका फ्रेंड भी उससे दूर हो गया तो क्या हो जाता है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हों या कोई नॉर्मल पर्सन न्यूरोप टिपिकल पर्सन हो जब भी कोई शॉकिंग इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते हैं तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है ज्यादा से ज्यादा हम लोग ओवर थिंकिंग करने की कोशिश करते हैं दिन रात इवन हम लोगों के बीच में भी बैठे हैं तब भी मतलब हम लोग अपने आप को आइसोलेट करते हैं और बार बार उसी चीज के बारे में सोचते जाते हैं तो अब कुछ लोग जो हैं वो उसको मैनेज कर लेते हैं और अपनी ओवर थिंकिंग को एक लेवल पर जाके स्टॉप कर देते हैं और उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं या फिर कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ओवर थिंकिंग को स्टॉप नहीं कर पाते हैं जैसे मान लीजिए आप एक पेरेंट हैं आपको फर्स्ट टाइम ये चीज़ पता चल रही है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है आपने एकदम से ओवर थिंकिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या चीज़ है क्या मेरा बच्चा रिकवर कर पाएगा क्या फ्यूचर में मेरे बच्चे का क्या होगा ऑटिज्म क्या है क्या ये क्योरेबल है या नहीं है ये बच्चे कैसे बिहेव करते हैं हर वक्त आप वही चीज़ सोचते रहेंगे अब क्या होता है कुछ पेरेंट्स जो हैं वो Uh, कुछ मंथ बाद जो हैं वो अपने आप को समझाते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं थेरेपी के लिए जाते हैं और मैनेज कर लेते हैं अपने जो अपना जो उनका एंगजाइटी है लेकिन कुछ पेरेंट मैनेज नहीं करते हैं उनकी ओवर महीनों सालों तक कंटिन्यूसली चलती रहती है और एक लेवल पर जाके उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है इवन उनको मेडिसिन लेनी पड़ जाती हैं तो अब क्या होता है हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में भी सेम चीज़ होती है वो उन्होंने अगर उनके बैकग्राउंड में वो कोई चीज़ चल रही है जैसे अर्नव को पंद्रह बीस दिन वो लगातार मेरे से पूछा जा रहा है कि क्या अच्छू भी ये बिल्डिंग में आएगा अच्छू भी इस बिल्डिंग में शिफ्ट करेगा तो वो चीज़ें पंद्रह बीस दिन तक वो पूछता रहा लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने वो उसको पूछना बंद कर दिया मीन्स उसको पता चल गया कि अब वो मुझे नहीं मिलेगा वो इस बिल्डिंग में नहीं आएगा तो फिर क्या होता है एंगजाइटी की वजह से उसने उसको ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों को वो चीज़ नहीं दिखती है क्योंकि बच्चे एक्सप्रेस नहीं करते हैं इतना ज़्यादा और वो बैकग्राउंड में हर चीज़ मतलब हर टाइम पर वो ओवर थिंकिंग जो है वो कंटिन्यूस रहती है कंटिन्यूस रहती है तो ऑटिस्टिक बच्चों में क्या होता है जब ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो उनका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को शट डाउन करने लग जाता है जिसको हम लोग ऑटिज्म शटडाउन बोलते हैं जो कि एक इन्वॉलेंट्री एक्शन है मतलब ऑटोमेटिकली वो चीज़ होती है बच्चों को पता नहीं चलता लेकिन ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाती है तो ये चीज़ हम लोगों को कैसे पता चले कि उसको ऑटिज्म शटडाउन की प्रॉब्लम हो सकती है इसके जो सिम्टम थे वो अर्नब के बिहेवियर के साथ पूरे के पूरे मैच कर रहे थे लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ें डिस्कस नहीं की थी कि अर्नब के बिहेवियर में हम लोगों को क्या चेंजेस मिले जब उसके साथ वो चीज़ें हुई जो भी माइनर अटैक जैसे हम लोगों को फील हो रहे थे उसका फर्स्ट चेंज था उसकी स्पीच में उसको बोलने को नहीं हो रहा था आप लोगों को पता है वो गाने गाता है उसका स्पीच कितना क्लियर है और उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन उस उन दिनों में जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो चीज़ें स्टार्ट हुई तो उसको बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी इवन मैं उसको कुछ पूछ रही तो वो ऐसे बोल रहा है आप खाना खाओगे मतलब बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है दूसरी चीज़ थी उसकी जो बॉडी की मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई आपको तो पता है अर्नब कितना चुल बुला है हर वक्त उसको घर में पूरे दिन वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है लेकिन क्या हो गया हम उसको कैसे देख रहे हैं वो या तो सोफे पर पड़ा है या बेड पर पड़ा है या उसको कहीं लोग बाहर मॉल में शॉपिंग करने के लिए लेके लिए ले जा रहे हैं तो वो चेयर ढूंढ रहा है बैठने के लिए मतलब चला नहीं जा रहा है उसको बॉडी की मूवमेंट करने में भी उसको प्रॉब्लम आ रहा था प्लस तो जो इंटरेस्ट उसकी बहुत जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं इवन एक दिन मैं उसको अपनी पहले वाली बिल्डिंग के पास से लेके आई मुझे लगा कि उसका इंटरेस्ट आएगा कि उसका फ्रेंड वहाँ पर है वो अपने फ्रेंड के घर के नीचे वैसे ही खड़ा होगा जैसे पहले खड़ा होगा लेकिन इवन उसने ध्यान तक नहीं दिया और वो अपने घर के रास्ते की तरफ चलता गया तो यूजली जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है आप देखोगे वो इंटरेस्ट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है है उनमें तो ये चीजें होती हैं तो ये आप लोगों को में, है, में बच्चे की जो आपको है, वो बढ़ती हुई नजर आएगी बच्चा थोड़ा उसमें आपको और प्लस उसके जो यूजुअल इंटरेस्ट है वो कम हो जाते हैं तो ये ऑटिज्म शटडाउन के ही जो हमने हम लोगों ने अर्नम में देखे थे तो ये कुछ चीजें हैं अब बात आती है कि जो ऑटिज्म हार्मफुल है क्या वो तो मैं ये बोलूँगी गाइज़ कि वो हार्मफुल नहीं है जैसे हमारे जो लैपटॉप होते हैं कंप्यूटर होते हैं या फ़ोन होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं हम लोग रिबूट करते हैं उनको तो रिबूटिंग के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमारे जो फ़ोन होते हैं वो रिफ़्रेश हो जाते हैं तो सेम ब्रेन के साथ भी वैसे ही होता है ये एक ऑटोमेटिक एक्शन होता है अपने आप कुछ टाइम के बाद कुछ बच्चों को दो हफ्ते लगते हैं कुछ बच्चों को दो महीने लगते हैं कितना भी टाइम लग सकता है लेकिन अपने आप वो चीज़ जो है वो रिकवर हो जाती है ब्रेन अपना टाइम लेता है उस चीज़ में लेकिन उसके बाद इन अपने आप रिफ्रेश हो जाता है तो उस टाइम के बाद धीरे धीरे अर्नब भी सीख रहा है अर्नब भी इस नए माहौल के साथ अभी एडजस्ट होना सीख रहा है तो उसकी आ, अभी मूवमेंट जो है वो रिसेंटली हम लोगों को अभी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है अभी थोड़े से फिर से उसका जो बर्बल स्टीमिंग है घर में वो थोड़ा स्टार्ट हो गया है फिर से थोड़ा अभी गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा वो ध्यान दे रहा है तो वो चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला कि किसी को दो हफ्ते लगते हैं या दो महीने भी लग सकते हैं तो अनब को वो माइनर ही था तो इतना ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगा लेकिन आ, अगर आपके बच्चों में ये प्रॉब्लम है और आप लोग देख रहे हैं जैसे मैंने कमेंट में भी दो तीन कमेंट मैंने ऐसे पढ़े वहाँ पर सेम सिम्टम ऐसे ही थे तो अगर आप लोग सुन रहे हैं ये वीडियो तो हो सकता है कि आपके बच्चे को भी वही चीज़ हुई हो तो इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है ये जो सिम्टम होते हैं वो बिल्कुल टेम्परेरी होते हैं अपने आप कुछ टाइम के बाद ये चीजें जो है वो रिकवर हो जाती हैं तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है अब बात आती है कि हम कर क्या सकते हैं जब ये चीज स्टार्ट होती है अगर ऑटिज्म शटडाउन बच्चे में हो रहा है तो हमको करना क्या है फर्स्ट हमें फोर्स नहीं करना है बच्चे को अब जैसे अगर आप ये चीज समझेंगे नहीं कि ये ऑटिज्म शटडाउन है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे जैसे जैसे आपने पढ़ा है पूरा दिन अगर वो कुछ नहीं कर रहा है अगर मैं थोड़ा अंगेज कर रही हूँ तो ठीक है अगर नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा सोफे पे पड़ा रहेगा बेड पे पड़ा रहेगा बार बार मेरे दिमाग में ये चीज़ आएगी कि क्या कैसा बिहेवियर है कि इतना आलसी क्यों बनता जा रहा है इसको मुझे एक्टिव करना है आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी और आप जबरदस्ती उसको बोलेंगे चलो पार्क में चलो ग्राउंड में चलो वॉकिंग करने अगर बच्चे की मर्जी नहीं है उसकी बॉडी में मूवमेंट कम है उसको मन नहीं कर रहा है तो आपको उसे फोर्स नहीं करना है उन दिनों में अगर आप ओटी की एक्टिविटीज भी करा रहे हैं कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करा रहे हैं अगर बच्चे का मन नहीं है तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए अगर आप फोर्सफुली करेंगे तो अगेन क्या होगा बच्चे का वायलेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अगर आपकी खुद की बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं है और आपको जबरदस्ती कोई बोले कि ये काम करो तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी कैसी हालत होगी तो आप भी गुस्सा करेंगे आप भी चिड़चिड़े हो जाएंगे तो वो चीज़ हम लोगों को नहीं करनी है दूसरी चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा बच्चे को प्यार से बिहेव करना है उस चीज़ के लिए अगर मेलडाउन टेम्परे मेलडाउन होते हैं तो जैसे हम लोग बच्चे को थोड़ा हैंडल करते हैं हक करते हैं वैसे ही ऑटिज्म शटडाउन में भी थोड़ा बच्चे को अगर आपको अलाउ करता है बच्चा कुछ बच्चे ऑटिज्म शटडाउन में अपने आप को टच करने भी नहीं देते हैं तो वो चीज़ें आपको नोटिस करनी है कि मेरे बच्चे को क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस दौरान जो है वो आ, प्रॉब्लम कर रही हैं जो चीज़ें उसको पसंद नहीं है वो चीज़ें हमको नहीं करनी है और आपको थोड़ा सा उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना है थोड़ा सा वर्बली अगर बच्चा समझता है तो उसके साथ आपको वही है कि एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है और जितना हो सके उसको बिल्कुल काम रिलैक्स रहने दीजिए जितना वो काम मोड में रहेगा उतना ही जल्दी वो रिकवर करेगा उस चीज़ से लेकिन आप बार बार उसको डिस्टर्ब करते रहे उसकी मर्जी के बगैर तो वो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा लंबा भी चलने वाली है फिर तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है तो जैसे एक पेरेंट ने मुझे कमेंट किया था कि आजकल मेरे बच्चे का बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब हो गया है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो उसके अंदर जो है वो रिग्रेशन उनको फील हो रहा है अभी कि फिर से रिग्रेशन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे में रिग्रेशन हो रहा है तो ये रिग्रेशन जो दिखता है ना वो हमेशा टेम्प्रेरी होता है अगर बड़ी एज में है तो टू ईयर की एज में रिग्रेशन होता है जैसे कोई बच्चा दो साल का है तो वो रिग्रेसिव ऑटिज्म होता है लेकिन अगर सात आठ दस ग्यारह साल की एज में आपको ये चीज़ें दिख रही हैं तो वो रिग्रेसिव ऑटिज्म नहीं है वो टेम्प्रेरी इफेक्ट है जो अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाएगा जिसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और अपना इरीटेटिंग नेचर बच्चे को नहीं दिखाना है आपको बच्चे को समझने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करनी है उसको तो ये था आ, अपडेट अर्नब की सिचुएशन के ऊपर आपने देखा होगा मैं हमेशा अर्नब का अपडेट आप लोगों को देती रहती हूँ जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है मुझे खुद भी इस चैनल पे रिकॉर्ड रखना है कि कैसे टाइम के साथ अर्नब में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हुई हम बोल सकते हैं कि ऑटिज्म शटडाउन डाउन अर्नब को टेन ईयर के बाद स्टार्ट हुआ उससे पहले उसको ये प्रॉब्लम नहीं थी और वो भी तब स्टार्ट हुआ जब हम लोगों ने शिफ्ट किया अब देखते हैं कि ये चीज़ से तो अर्नब डेफिनेटली श्योर वो रिकवर हो जाएगा अब देखते हैं कि आगे कैसे वो खुद को डील करता है आगे ये चीजें रिपीट होती हैं या नहीं होती हैं तो यही मुझे ध्यान रखना है और ये चीज़ें रिपीट ना हो इसके लिए सबसे बड़ी जो चाबी है वो यही है कि हम अपने बच्चों को पूरी तरह से अंगेज रखने की कोशिश करें जैसे अगर वो अडल्ट भी हो रहे हैं तब भी ये ध्यान आपको ही रखना है कि मैं अपने बच्चे को कैसे एंगेज करूं ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है अब मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अब वो अपने आप आ, खुद को एंगेज करेगा या खुद को संभाल लेगा तो वो चीज़ ऑटिज़म पेरेंट के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग होती है कि अडल्ट एज में भी हम ही लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि इनको कैसे एंगेज करना है अगर एंगेज करके रखेंगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना आपको सेंसरी इशूज़ बढ़ते हुए दिखेंगे ना आपको इनके बिहेवियल इशूज़ दिखेंगे ना उनको इनका जो है वो एग्रेशन या वायलेंट बिहेवियर दिखेगा आपको और लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा अपने बच्चों को समझने में आप आपके बच्चों में जो टेम्परेरी चेंजेस आते हैं जो रिग्रेशन आपको बड़ी एज में फील होता है जो एंजाइटी अटैक आते हैं उन चीज़ों को समझने में ये वीडियो आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगा और अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो